बस ये करना बंद कर दो, फिर देखो चमत्कार। आपकी जिंदगी में जो अंधकार आ चुका है, तूफान आ चुका है, जिसकी वजह से आपकी पूरी हरी भरी खेती, हरी भरी जिंदगी एकदम बंजर हो चुकी है, एकदम सूखी हो चुकी है। ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई लाइफ के मजे है, ना कोई लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें रही है, ना लाइफ को जीने का मकसद रहा है। बस एक ही काम है, सोना, डिप्रेशन, रोना धोना, यादें करना और मर जाना। बस तुम्हारा मेन ऑफ फोकस रहता है कि हम कैसे इस डिप्रेशन से बाहर निकले, उन यादों से, उसने ऐसा क्यों कर दिया। तो आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको एक कॉल कर रहा है वो, आप 10 कॉल कर रहे हो, आपको एक मैसेज कर रही है वो, ठीक है, आप तुरंत रिस्पांस दे रही हो, उसको एक चीज चाहिए, आप 10 चीज दोगे उसको, एक बार आपकी जरूरत है, आप 10 बार उसकी जरूरत बनना चाहोगे, और आपको ये चीज नहीं समझ आ रही कि वो हमारी जरूरत क्यों नहीं बन रही, वो लड़की वो लड़का हमारे को इतना प्यार क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं समझ रहा, क्या गलती कर दी, क्या हम फंस गए, क्या हम गलत रिलेशनशिप में है, क्या वो हमें चीट कर रहा है, क्या वो हमें यूज ले रहा है, फिर भी हम उसके बिना नहीं रह पा रहे, हम तड़प रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम रो रहे हैं। तो इसके बीच में हम क्या किया जाए जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप जो बीच में अटका हुआ है वो एकदम अच्छा हो जाए। तो चीजें मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, सर पे मटका डाल के, नीचे चड्डी पहन के आराम से बैठो और चीज़ों को ध्यान से सुनो। और अगर पर्सनली कॉलिंग के थ्रू आप बात करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे आके आप कॉल बुक कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे। अब मेरी बातों पे आएंगे, पहली बात मेरी ये सुनो कि आपको उसने लाइटली क्यों लिया, आप जितना प्यार कर रहे हो वो आपको प्यार क्यों नहीं कर रहा, कौन सी गलती है जिनको हम सुधार सकते हैं। पहली चीज़, आप इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करो आज से। अगर बंदी या बंदे ने एक टाइम डिसाइड कर दिया मैं बिजी हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, या वो अपने अकॉर्डिंग चल रही है या चल रहा है, और आपको एक पर्टिकुलर वो कॉल करती है करता है, तो आप उस कंडीशन में कॉल उठाओ, हाँ कैसे हो, अरे 5 मिनट में करता हूँ, फ़ोन कट करो, ठीक है, इससे आपकी वैल्यू गेन होगी, ठीक है। ये नहीं हाँ क्या कर रही हो, वो यूँ कहेगी सुन ले फिर मैं बाद में नहीं कर पाऊँगी, 2 दिन नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगे, बोलो ओके यार बाय बाय मैं बिजी हूँ, 10 मिनट में करता हूँ, 5 मिनट में। हमेशा ये रूल याद रखो, मैंने आपको 100 बार बताया, इससे होगा क्या, आज मैं आपसे पैसे उधार ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक टाइम दे देता हूँ कि भैया मैं आपको 2 बजे दूंगा, और मैं 2 बजे नहीं देता, आपके माइंड में यही घूमेगा विजय भाई ने 2 बजे का बोला था, विजय भाई ने 2 बजे का बोला था, और 2 कभी नहीं आएंगे। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो, डॉक्टर को आपने फीस जमा करा दी, वो यूँ कहता है 4 बजे अपॉइंटमेंट है, आप आ जाना, पिछवाड़े पर इंजेक्शन लगा लेना, टुकड़ी टुकड़ी आप सही हो जाओगे, गोरे चिट्टे हो जाओगे, घायल परिंदे बन जाओगे, सुनील शेट्टी बन जाओगे। अगर 4 बजे डॉक्टर नहीं आता तो आपको सन्नी देओल की तरह नहीं, आप एकदम तारकासुर बन जाते हो, गुस्सा आने लग जाता है, ये क्या चूतिया पाया, आप तो हमें यूज ले रहे हो, आप वहां 100 सवाल करते हो, हमने पैसे दिए, 4 बजे का टाइम था, 4:30 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ये क्या तरीका, हम नहीं लेंगे, गुस्सा करते हो ना। तो वैसे अगर आप अपने पार्टनर को टाइम दोगे, एक बार कंट्रोल करेगी, करेगा, बाद में तो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, बाद में तो तुम्हारे पास भागना जरूरी समझेगी, सन्नी देओल की तरह बिना नंगे पैर भागेगी, टुकड़ी टुकड़ी, 7 जन्म 7 कस्में 7 वादे खाके तुम्हारे साथ रहना जरूरी समझेगी। सन्नी देओल आएगा सर पे गमछा लेके, नीचे तौलिया लगा के, और आपके लिए लॉयल बनना जरूरी समझेगा, रियल लो फैक्ट यही है। तो आपको अवॉइड करना प्यारे तरीके से, ये नहीं है उसने एक कॉल करा, आपने अटेंड कर लिया, आप डर रहे हो अब उसका कॉल आएगा नहीं आएगा, आप इसी डर में अपने रिलेशनशिप को एंड कर लेते हो। मैसेज का सीन है, सामने वाली यूं कहती है, बंदा यूं कहता है, मैं मैसेज पे बात कर पाऊंगी, घर पे प्रॉब्लम है, कॉल नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, 1 दिन संभल लेना, 2 दिन संभल लेना, 10-10, 20-20 दिन अगर आप समझ रहे हो तो आपका फॉल्ट है क्या, मैसेज कॉल नहीं है क्या, अगर वो आपको मैसेज के थ्रू रखना चाह रहा है तो आप भी एक ही चीज रखो, मैसेज नहीं, मैं कॉलिंग, मेरे से टाइपिंग नहीं होती, मैं बोर हो जाती हूँ, करना है तो कॉल करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलना सीखो ताकि आपकी वैल्यू गेन होए, ना कि आपकी वैल्यू गिरेगी, बोलोगे तभी मिलोगे। अब ये नहीं है सामने वाला एक कॉल मैसेज कर रहा है, आप तुरंत गधों की तरह अवेलेबल होकर रिस्पॉन्स दे रहे हो या दे रही हो, देखो सामने वाली लड़की या लड़का आपको नहीं समझ रहा तो आपको भी नहीं समझना, 1-2 बार समझो, बार बार समझोगे तो चूतिए कहलाओगे, गधे कहलाओगे, एक रियल ऑफ फैक्ट यही है, प्रैक्टिकल वाले बंदे बनो। एक मेरा पॉइंट ये है कि रिलेशनशिप है, अब आप अपने आप को जज करते हो उसके दोस्तों से, उसके फैमिली मेंबर से, कुछ उसके होंगे जीजा वीजा, बहन भाई, भाभी भैया वगैरह, आपको इन चीज़ों से एकदम इरिटेशन है कि यार ये क्या है, ये लोग बीच में कबाब में हड्डी बनने आ जाते हैं। देखो भैया एक चीज़ बता रहा हूँ, वो लोग कबाब में हड्डी नहीं बन रहे, आपकी जो बंदी है ना वो थोड़ी ढीली है, आपका जो बंदा पूरा ढीला है, क्यों ढीला है, क्योंकि वो उन लोगों से रिलेशनशिप रख रहा है। रिलेशनशिप मीन्स ये नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो रिलेशनशिप नहीं कर रहा, एक होता है ना कि हाँ हम अच्छे व्यवहारिक है, ये है वो है, अगर आप इन चीज़ों को छुड़ाओगे तो आप अलग हो जाओगे, क्यों हो जाओगे, वो आपको एक ही धब्बा लगाएगी
जाएगा, मेरे पहले के रिलेशन है, तू नहीं समझता, तू नहीं था, इन लोगों ने मेरे को साथ दिया, मैं नहीं भूल सकती इनके एहसान इस जन्म में तो नहीं। सो आपके बहाने लगाए जाएंगे, आपको चूतिया बनाया जाएगा और लात मारी जाएगी, इसलिए आप चुप ही बैठे रहो, आप अपनी जगह सही हो, कंपेयर मत करो, चूती है रखने दो, उनकी गलती नहीं है, गलती तो आपकी बंदी की है ना, वो उनको मुँह लगा रही है, गलती तो आपके बंदे की है ना जो उन लड़कियों को, उन भाभीियों को, उन भैयाओं को मुँह लगा रहा है। आपके रोकने टोकने से वो नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगा, और हरकतें करेगा और झूठ और बोलेगी कि हाँ यार मैं ये काम करने को जा रही हूँ, जा रहा हूँ, फिर पीठ पीछे पता चलेगा वो उन लोगों से मिल रही है, उन लोगों से मिल रहा है। ठीक है, कोई किसी के लिए नहीं छोड़ता किसी को, यूँ कह देगी, कह देगा मैंने तेरे लिए सबको छोड़ दिया, बट छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, वो तुमसे छुपाएगी, छुपाएगा, फिर तुम्हें बाद में पता चलेगी चीज़ें, फिर तुम्हें बड़ा दुख होएगा। ये दुनिया क्या हरामी है यार, लोगों को सच्चा प्यार और कुत्तों को घी हजम नहीं होता। ज़्यादा केयर करोगे, ज़्यादा पैसे दे दोगे तो जिनके औकात नहीं, औकात से बाहर अगर पैसे दे देंगे तो साले बावड़े हो जाएंगे, लुटाएंगे। रानू मंडल को तुमने देखा होगा, एकदम फेम आया, एकदम बावली हो गई थी, आज देखो फेम गिर गया। तो वैसे ही कुछ रहता है ना। तो एक रियल ऑफ फैक्ट यही है, अगर तुम इनको ज़्यादा प्यार दोगे इन्हें हजम होगा नहीं, क्योंकि सालों को कभी प्यार तो मिला नहीं है, गधियों को कभी प्यार तो मिला नहीं है। ओवर प्यार मिल जाएगा, मेरे को इतना प्यार नहीं चाहिए ना यार, मेरे को कम प्यार चाहिए बाबू, मैं इतना नहीं चाहता। जब इन्हें कुत्तों की तरह इनको लोग ट्रीट करते हैं, उनके पीछे जाते हैं, तो तुम इनको इतना प्यार मत दो। फिर ये क्या करेंगी, तुमसे छुपाएंगी, यार मेरे दोस्त आ रहे हैं, लड़की आ रही है, ठीक है मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, लड़के आ रहे, पता चलता है किसी लड़के से मिल के आई है, पता चलता है लड़कियों से मिल के आया है ना, एक कहेगी तेरे को जो समझना है समझ। ये देखो चोरों का एक मैं आपको बताता हूँ फंडा क्या रहता है। आप अगर आप किसी का झूठ पकड़ना चाहते हो, जैसे मैं हूँ, अगर मैं सच्चा हूँ, आपने मेरा फ़ोन मांगा, मैं कहूँगा ले लो मेरा फ़ोन, कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो चोर रहेगा ना वो यही बोलेगा जो समझना है समझ, तेरे को ट्रस्ट इशू है, तेरे को ट्रस्ट ही नहीं है तो मत रहे। अरे बहन चो, ये क्या बात आ गई, अगर गली में मर्डर हो गया, पुलिस पूरे घर चेक कर रही है पूरी गली के, तुम नहीं दिखा रहे, तुम ये कर रहे हो, जो समझना है समझो, हम तो चोर नहीं है तो तुम ही चोर हो, तुम डर क्यों रहे हो, सबने चेक कराए, अगर तुम चोर नहीं हो, हाँ हमें तुम्हें ट्रस्ट है, ठीक है चलो तुम ये सोच लो कि मेरे बंदे को इनसिक्योरिटी हो रही है, मेरी बंदी को इनसिक्योरिटी हो रही है, दे देते हैं इसको, ट्रस्ट आ जाएगा मेरे पे, बट तुम उधर छुपा रहे हो, चोर होता है ना फिर वो ही बोलता है, जो समझना है समझो, तो पकड़ लो ये चोर है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड चोर है, क्या समझ लो। तुम क्लियर नहीं करा सकते, रिलेशन तोड़ सकते हो, मेरे बिना रह सकती हो, रह सकते हो, बट तुम उस फोन को नहीं दिखाओगे, तुम वो चीज़ें क्लियर नहीं करोगी। अरे जब दाल काली होती है ना, तब कुत्तों की तरह यही चीज़ें होती है, जो समझना है समझो। ये मैंने बहुत फंडे देखे हैं, मैं भी काफ़ी रिलेशनशिप में रहा हूँ, एक रियलिटी है। आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं, जिसकी तुम कम केयर करोगे, जिसको तुम कुछ नहीं समझोगे, वहाँ प्यार तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जिसको तुम बहुत ज़्यादा समझने लग जाओगे, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने लग जाओगे, तुम्हें प्यार रद्दी भर भी नहीं मिलेगा। ये दुनिया क्या हरामियों की है, यहाँ सच्चे लोगों को चूतिया समझा जाता है, झूठे लोगों को यहाँ भाई राजा रानी माना जाता है, बिल्कुल उनका सत्कार किया जाता है कि तुम तो बड़े अच्छे हो, हम तुम्हारे पीछे भागेंगी भागेंगे, तुम्हारे पीछे लट्टू रहेंगे। तो एक रूल याद रखना, लाइफ का एक फंडा बता रहा हूँ प्यारा सा, कि तुम्हें बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहना, और जहाँ वो लड़की या लड़का ये बोल दे तो समझना है समझ, ठीक है, तेरे को जो सोचना है सोच, मैं ऐसी हूँ मैं ऐसा हूँ, तो समझ जाना दाल काली है। जो प्रूफ नहीं करा सकता, प्यार क्या घंटा करेगा, तो फेक है ना, पकड़ना सीखो चीज़ों को। आज अपन ने कोई चोरी नहीं करी, अपन दिखाएंगे घर वगैरह सब चीज़ें दिखाएंगे, जो चोर रहेगा वो ऐसी हरकतें करेगा, है ना, एक रियल इफेक्ट। और ये कोई दोस्त वगैरह, ये बहने जिया जी बाबियाँ चाचा ताऊ, मुँह बोली बहने मुँह बोले भाई नहीं छोड़ते, ये पीठ पीछे फिर मिलेंगे, बातें करेंगे, छुपाएंगे, साला खुला छोड़ो ना। जो कुछ चीज़ें रहेंगी तुम्हें, अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, चीज़ें लग रही है, देखो कोई आज के टाइम पे किसी के लिए इतना नहीं करता, कोई करता है तो कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ रहता है या फॉल्ट रहता है, हम भी जानते हैं चीज़ें, दुनिया कितनी आरामी है, क्या बोल के क्या रिलेशन हो जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहो, ज़्यादा नहीं सोचना। जिस दिन पूरा हाथ में लगे तोड़ देना पिछवाड़ा, उस दिन छोड़ देना कि भैया तुम इनके साथ खुश रहो, अपनी ज़िंदगी जियो। देखो छोड़ने वाली लड़कियाँ रहते हैं ना वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं, हम कहेंगे इंस्टाग्राम दो तुरंत देंगे, हम कहेंगे फेसबुक दे दो एक बार के लिए दे देंगे, भले बाद में चेंज कर ले 10-15 मिनट बाद के लिए, इससे क्लियर करा तुरंत करा देंगी, इससे करवा तुरंत करवा देंगे। और जो चोर होते हैं नहीं करवाएंगे, मैं कॉल नहीं लगाऊंगी, वो क्या सोचेंगे, वो मेरे दोस्त है, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, ये है फलाना है ढीकना है, क्या सोचेंगे। साड़ो तुम चूतिया बनाते हो, हम क्या सोचेंगे तब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। तो ऐसे चूतियों को तुम पकड़ सकते हो, ऐसी गधी लड़कियों को ऐसों से दूर रह सकते हो। आई होप वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, शेयर कर देना, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय श्री राम।